साथियों रोजगार में पिंकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम फिर आ रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के माध्यम से देख लिया होगा कि आज के जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो क्या है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन साथियों ने भी जो चैनल पर हमारे लगातार जुड़े हुए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उन्हें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा से संबंधित जो भी वैकेंसी निकलती हैं और साथ में जो भी और गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ये चैनल आपको सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश हम करते हैं इस चैनल के माध्यम से सभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो चलिए आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात कर रहा हूँ किसकी, जो भी साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, कि जो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी वो क्या रही थी, और आरटीआई का क्या रिप्लाई रहा, कितने फॉर्म फिल हुए हैं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो ये सारे क्वेश्चनों के सवालों के आंसर मैं आज इस वीडियो में आपके लिए देने वाला हूँ कि क्या क्या जो है स्थिति अभी तक सामने हमारे आ रही है कट ऑफ के बारे में, और कितने फॉर्म भरे गए, क्या हुआ, ये सारी जानकारी जो भी मुझे अभी तक मिल पाई है तो मैं उस बारे में अभी बात आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए बहुत सारे साथियों के कमेंट थे कि जो है फॉर्म भरना, आपका जो फॉर्म था असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के उसकी लास्ट डेट आप सभी को पता है कि निकल चुकी है, 17 और 19 अप्रैल उसकी लास्ट डेट थी। एक जो फॉर्म थे जिनके लिए 342 पोस्ट थी उसकी पोस्ट की जो लास्ट डेट थी वो आपकी 17 अप्रैल थी, और बाकी जो 28 पोस्ट थी उसकी जो पोस्ट जो लास्ट डेट थी वो क्या थी, वो आपकी 19 अप्रैल थी। तो देखिए उन दोनों में ही बहुत सारे साथियों की यही कमेंट है कि भैया ये बताइए कि उसमें जो है 342 पोस्ट के लिए कितने फॉर्म फिल हुए हैं, मतलब जो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी एमसीडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आई थी उस वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये बता दूं कि भाई ऐसे कोई भी अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसे ही मैं आपको अगर एक तुक्का वाला नंबर बता दूं कि इतने फॉर्म फिल हुए तो वो एक तरह से बिल्कुल आपके लिए गलत इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैंने D-SSB बोर्ड के लिए RTI लगा रखी है, और उस RTI का जैसे ही जवाब मिलेगा कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं, मैंने उसकी जो है RTI कैटेगरी वाइज अलग अलग और टोटल फॉर्म कितने फिल हुए सारे क्वेश्चन के जवाब उसमें मांगे हैं। जैसे ही हमें उसका रिप्लाई मिलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि कितने फॉर्म पड़े हैं बिल्कुल सटीक। ठीक है, अभी हम सिर्फ मोटे तौर पर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर हम 342 पोस्ट के लिए बात करें एक अंदाजे के तौर पर, तो लगभग मान सकते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस होने के बावजूद लगभग आप कह सकते हो कि 5,000 से 6,000 के आसपास फॉर्म जो है वो पड़े होंगे, और आगे की जो बात है वो भाई RTI के बाद ही क्लियर होगी क्या फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक अंदाजे के तौर पर बता रहा हूँ कि शायद जो मेरा आइडिया है वो इतना होना चाहिए कि 5,000 से 6,000 के बीच में फॉर्म होने चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कदम कि कितने फॉर्म भरे, तो इसका जब हमें जो पता चलेगा वो कब चलेगा, जब हमें RTI का जवाब हो जाएगा तब। और RTI का जवाब ऐसा है कि बहुत सारे साथी रोज आज से ही कमेंट करना शुरू कर देंगे कि RTI का जवाब कब आएगा। तो देखिए D-SSB बोर्ड जो है वो RTI का जवाब देने में थोड़ा समय लेता है। अभी मैंने इससे पहले आपको एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट किस पोस्ट का चलेगा इसके लिए RTI लगाई थी, उसका अभी तक रिप्लाई उन लोगों ने नहीं दिया है जबकि 15 दिन से अधिक हो चुके हैं। फिर भी मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कॉल टोल फ्री नंबर होता है उनका जो जीमेल आईडी होती है उससे भी मैसेज किया, लेकिन कोई भी रिप्लाई अभी तक मुझे नहीं मिल पाया। तो आपको पता है कि 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन से पहले हम कुछ कर भी नहीं सकते, दोबारा RTI भी नहीं डाल सकते, इसलिए अभी हमें और वेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको जो जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे बहुत सारे साथियों का ये है कि इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो देखिए कट ऑफ के ऊपर कोई भी बात कह पाना, कोई भी अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं कोई भी आपको गलत जानकारी देना नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही बता दूं, मैं कोई D-SSB बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूं और ना ही मैंने इस सारी प्रक्रिया के अंतर्गत मैं शामिल हूं, जो कि मैंने देखा है कि कितने फॉर्म भरे गए, कैसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे, ऐसा हम कोई भी अंदाजा अगर कोई भी यूट्यूब चैनल पर आपको अगर कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत साबित है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि कितने फॉर्म भरे गए हैं
और उसका एग्जाम का क्या लेवल रहने वाला है, क्या एग्जाम आने वाला है। देखिए कोई भी एग्जाम की जो कट ऑफ है वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है उस एग्जाम के लेवल पर। तो जब तक हम परीक्षा नहीं देते, परीक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं और किस लेवल का एग्जाम आया है, ये सारी चीजें जब तक हमारे सामने क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हम किसी भी कट ऑफ, किसी भी भर्ती की कट ऑफ बताने में बिल्कुल ही गलत साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहले से ही अंदाजा लगाना कि ये कट ऑफ जाएगी 200 में से 120 जा सकती है, 130 जा सकती है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है। कट ऑफ का भरोसा तब कर सकते हैं जब हमें पेपर पता चल जाए, पेपर का लेवल पता चल जाए कि किस तरह का पेपर आया है, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, कितने बच्चे कितने क्वेश्चन करके आ पा रहे हैं, आंसर की में कितने क्वेश्चन बच्चों के सही बैठ रहे हैं। इस तरह की जानकारी जब हासिल हो जाएगी, उसके बाद हमें कट ऑफ का आइडिया लगा पाना थोड़ा आसान हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, हम ये देख सकते हैं कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, लेकिन उसके तौर पे भी हम ये नहीं कह सकते कि जो कट ऑफ पिछली बार गई थी वही कट ऑफ आगे भी रहने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय कंपटीशन भी कम था और उस समय एग्जाम का लेवल भी अलग था। आज ऑनलाइन एग्जाम है, उस समय ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो कट ऑफ में अंतर तो रहने वाला है वैकेंसी के मुकाबले, क्योंकि कंपटीशन इस बार ज्यादा रहेगा और पेपर भी ऑनलाइन है। तो कट ऑफ तो ये तो हम बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसके अनुसार ही कट ऑफ जाने वाली है। ऐसा तो मुझे लग रहा है कि संभव होना मुश्किल है, तो हम इससे तो आइडिया नहीं लगा सकते। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो पिछली 2018 की वैकेंसी थी उसकी जो कट ऑफ गई थी उसके ऊपर एक आपको सेपरेट वीडियो बना दूं कि किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ गई थी। अगर आप कमेंट में इसका जानकारी मांगना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें लिखें, तो मैं उसके ऊपर आपको पूरी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई थी इस भर्ती की उसकी पूरी कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको बताने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल सटीक जो गई थी उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत सारे साथियों का ये भी क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दी है कि उसमें आपका क्या क्या सिलेबस आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन, कितने समय का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक साथी है हमारे जिनका चैनल है रोजगार इन्फॉर्मेशन, वो साथी कहते हैं कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो मैं आप सभी के माध्यम से पूछता हूं कि क्या मेरी इन्फॉर्मेशन आपको गलत लगती है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और उनकी भी वीडियो आप जाकर के देखें, रोजगार इन्फॉर्मेशन नाम से उनका चैनल है, क्या वो आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि, मैंने भी उनकी काफी वीडियो देखी है, कि वो आपको सटीक जानकारी दे पा रहे हैं। बस उनका मकसद है कि मेरी तरफ से आप लोगों का ध्यान भटकाना और अपनी तरफ ध्यान खींचना, मेरे को गलत साबित करके वो अपने चैनल को बनाना सोच रहे हैं, तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो वो बच्चों के लिए दिक्कत होगी, तो बच्चे उसमें खुद कमेंट करेंगे, मुझे किसी चैनल वाले से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको सभी को मेरे चैनल से जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो अच्छी लगती है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें, वीडियो में कमेंट करके पूछा करें। मैं कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का आपको रिप्लाई दे पाऊं, थोड़ा समय कम होने के बाद भी कुछ कमेंट ऐसे रह जाते हैं जिनका रिप्लाई नहीं दे पाता, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम देखिए इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप साथियों की अनुमति हो तब। अगर साथी आप सभी कमेंट करके, बहुत सारे इस वीडियो में कमेंट जब तक नहीं आएंगे कि हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, तब तक मेरा क्लास स्टार्ट करने का कोई मकसद नहीं है। पहले आप इस वीडियो के अंतर्गत कमेंट कीजिए कि हाँ भैया क्लास स्टार्ट कीजिए, हमें क्लास लेनी है, तो मैं क्लास स्टार्ट करने के बारे में सोचूंगा। तो चलिए, देखते रहिए वीडियो को और सभी साथियों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।